Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी ने जिला पंचायत की सदस्य अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाया है। अनुराधा रामपुर की सियासत में आजम कैंप के बाहर का चेहरा मानी जाती है। फिलहाल इस सीट पर समाजवादी पार्टी व भाजपा गठबंधन की सीधी लड़ाई है, जबकि कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से दूरी बना रखी है। कई साल बाद समाजवादी पार्टी ने स्वार से किसी हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाया है। स्वार सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। एक मामले में सजायाफ्ता होने के कारण उनकी सदस्यता छीन गई और यहां अब उपचुनाव हो रहा है। नामांकन के आखिरी दिन सुबह तक सपा ने कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया था। दरअसल सजा पर रोक के लिए अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। उनके खिलाफ अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, जहां गुरुवार को मामले की सुनवाई थी। आजम कैंप को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी और उपचुनाव की नौबत नहीं आएगी। कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई का फैसला किया, इसलिए गुरुवार को पार्टी को आनन-फानन में उम्मीदवार का घोषणा करना पड़ा। तो चुनाव से दूर रहेगा आजम परिवार। रामपुर में अंदरखाने चर्चा है कि आजम परिवार स्वार में किसी और उम्मीदवारी की चाहता था, लेकिन बात नहीं बन पाई। आजम खान की तबीयत खराब होने के चलते इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। मुस्लिम बहुल स्वार सीट पर आखिरी बार 2002 में सपा ने गैर मुस्लिम चेहरा उतारा था। पिछले 21 साल से कांग्रेस और सपा के पाले में जा रही इस सीट से मुस्लिम विधायक ही हुए हैं। 2017 और 2022 में अब्दुल्ला यहां से चुनाव जीते थे। फिलहाल यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम परिवार ने स्वार उपचुनाव से दूरी बना ली है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से वैसे भी आजम खान के सितारे गर्दिश में हैं। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव हो या फिर विधानसभा उपचुनाव, दोनों ही वह जिता नहीं पाए। स्वार आजम की परिवार का गढ़ रहा है, उसे बचाने की चुनौती है। वहीं भाजपा गठबंधन से अपना दल ने शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। अल्पसंख्यकों के सियासत करने वाले सपा के गैर मुस्लिम चेहरों और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भाजपा गठबंधन के मुस्लिम चेहरों पर प्रतिक्रिया जो है वो मस्त होने वाली है और दिखना दिलचस्प होने वाला है। तो अब ये माना जा रहा है कि आजम परिवार जो है वो कहीं ना कहीं दूरी बना लिया है इस चुनाव से। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जब गैर मुस्लिम अनुराधा इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो चुनाव जीत पाती हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।